हेलो स्टूडेंट वेलकम टू टेक्निकल मैथ्री बी चैनल एंड इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से कि जो इक्वेशन है इनको शॉर्टकट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगा ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लें पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम एक्स या वाई को किस तरह से इलिमिनेट कर सकते हैं जो एक जनरल तरीकाकार है तो उसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा तो मेरे साथ आप इस वीडियो को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थर्टीन फोर एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी अब आपका दिल करता है x को आपने पहले इलिमिनेट करना है खत्म करना है तो x को कर लें, y को करना है तो y को कर लें. तो हम यहाँ पे x को करने जा रहे हैं तो यहां से देखें फर्स्ट इक्वेशन को हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि इस x के कोफिशंट से और सेकंड इक्विजन जो है उसको फर्स्ट वाले एक्स वाले के कोफिशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख लें जरा ताकि तो ये उनके लिए है जिनको समझ नहीं आती तो हम कर लेते हैं इजीली ये बहुत आसान है ये देखें फोर इंटू थ्री एक्स प्लस फोर इंटू टू वाई इज इक्वल टू थर्टीन मल्टीप्लाई फोर तो यहां देख लें आप ट्वेल्व एक्स प्लस एट वाई इक्वल टू फिफ्टी टू जब थर्टीन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अब इस वाली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी को तो यहां पर देखें आप ट्वेल्व एक्स प्लस इससे मल्टीप्लाई किया फिर थ्री को इससे कर देंगे ट्वेंटी वन वाई इज इक्वल टू अब थ्री को ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिसका आंसर आ जाएगा सेवनटी एट ठीक है अब इस इक्वेजन को इधर लिख लेते हैं ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी वन वाई ज इक्वल टू सेवेंटी एट स्टूडेंट ये देखें अब ये देखें हमने इसको एक्स को लिमिनेट करना है ये जितने भी साइन है इनको चेंज कर दें प्लस के माइनस हो जाएगा ठीक है ये देखें अब देखें ये वाला ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स कट जाएंगे अब ये एट जो है ये प्लस का वाई है और ये ट्वेंटी वन जो है वो माइनस का है तो यहां पर आपने पहले माइनस साइन लगा देना है अब इन दोनों का डिफरेंस एट और ट्वेंटी वन का डिफरेंस आता है थर्टीन पे आ जाएगा अब 78 और 52 का डिफरेंस लेना है ये माइनस का साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो 78 माइनस वाली है इसलिए तो यहाँ पर आप देख लें आपके पास 26 का डिफरेंस आ जाएगा अब आप देखो माइनस और माइनस कट हो जाएगा यहाँ पर 13 पे डिवाइड कर दें यहां पर भी 13 से डिवाइड कर दें थर्टीन थर्टीन से कैंसिल हो गया और वाई आपके पास आ जाएगा थर्टीन टूज वाई का आंसर टू आ गया इसको आपने याद रखना है मैंने आपको शॉर्टकट भी बताना है ताकि आपको आसानी से समझ आए अब ये वाई का जो टू आंसर आया है ये किसी भी वन या टू इक्वेशन में पुट कर दें मैं वन वाली में पुट करता हूँ थ्री एक्स प्लस टू और हमारे पास वाई का आंसर हमारे पास आंसर वाई का जो है वो ये देखिए थ्री एक्स प्लस टू इन टू वाई हमारे पास टू है इज इक्वल टू थर्टीन थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थर्टीन तो दोस्तों ये देखो फोर जो है ये प्लस है उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा थर्टीन माइनस फोर थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन और यहाँ पे थ्री पे डिवाइड कर दें यहाँ पे भी थ्री पे डिवाइड कर दें तो एक्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा थ्री थ्री जार बच्चों ये देखो एक्स का आंसर आ गया थ्री थ्री हजार ये क्लियर हो गया अब हम आपको मैं अब आपको मैं बताता हूँ कि शॉर्टकट कैसे हमने इसका करना है तो देख लो जी ये हमारे पास इक्वेजन है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है इसको ये जो हमारे पास वाई वाली वाई टू वाई है ये टू वाई हमारे पास है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी सिक्स से ठीक है ये एक्स का आंसर हम निकालने लगे हैं ये देखो जी बच्चों वेरी सिंपल लाइन लगा लो टू को ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आंसर आ जाएगा फिफ्टी टू तो, यहां माइनस का साइन लगाएं अब ये सेवन और थर्टीन को मल्टीप्लाई करें तो ये नाइनटी वन आ जाएगा ये शॉर्टकट मैथल हम कर रहे हैं ठीक है ओवर हमने लिखना है ये देखो ये फोर और टू को मल्टीप्लाई कर दें दे माइनस का साइन और अब थ्री और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन अब आपको फिर समझाता चलू टू ये जो वाई का कॉफिशेंट है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया अब ये जो इस वाई का कोफिशेंट है इसको थर्टीन से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटर में माइनस का साइन लगा दिया अब फोर को टू से मल्टीप्लाई कर दिया और थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई कर दिया ये ये लगा दिया अब फिफ्टी फिफ्टी टू और नाइनटी वन का जो डिफरेंस है वो थर्टी नाइन है माइनस में और ये इसका इन दोनों का डिफरेंस है माइनस थर्टीन ये ये कट गया और आपके पास थर्टीन थ्री हजार तो देख लो स्टूडेंट एक्स का जो आंसर यहां भी मिला वो भी हमें थ्री मिला और यहां पर एक्स का आंसर जो मिला था वो भी थ्री मिला है अब इस थ्री को आप पहली वाली किसी भी इक्वेजन में पुट कर दें ठीक है पहली वाली इक्वेजन में पुट कर देते हैं ये जो हमारे पास है ये ठीक है एक्स का आंसर थ्री इन टू थ्री प्लस टू तो वाई इज इक्वल टू थर्टीन तो यहाँ देखिये नाइन आ जाएगा प्लस टू तो वाई इज इक्वल टू थर्टीन अब यहाँ प्लस नाइन है ठीक है तो जब उस तरफ जाएगा ये माइनस नाइन हो जाएगा यहां से मैं इसको खत्म कर रहा हूं तो यहां पर आंसर बच जाएगा मेरे पास फोर अब टू वाई इज इक्वल टू फोर क्या मेरे पास आंसर आ गया यहां पे टू वाई इज इक्वल टू फोर टू वाई इज इक्वल टू फोर दोनों तरफ टू पे डिवाइड कर दें टू वन जार टू टू जार टू बच गया और ये टू और टू कैंसिल हो गया तो ये देख लीजिए वाई का आंसर भी आ गया टू ये पर हम मैंने आपको आंसर निकाल कर दिया था यहाँ पे ये यह देखे यहाँ पे भी ये आंसर आ गया अब ये देखें इस स्टार को गौर करें और इस स्टार पे गौर करेंगे थ्री तो देख लो स्टूडेंट इस तरह से ये शॉर्टकट मेथड है वेरी सिंपल है शॉर्टकट मेथड भी कि इस वाले वाई को आपने इस ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है माइनस का साइन लगाएंगे तो फिर ये इसको थर्टीन से सेवन को थर्टीन से मल्टीप्लाई कर देना है ओवर आपने फोर को टू से मल्टीप्लाई कर देना है और थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई कर देना है तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आई होप सो कि आपको समझ आया गया अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो